अरे बेटा तू कहाँ जा रही है, इधर आना हमारे साथ बैठ। दादी चाय बनाने जा रहे थे हम, चाय बना के लाते हैं ना, फिर आपके साथ बैठकर पिएंगे। चाय बनाने जा रही हूँ, पिछली बार कब बनाई थी याद है? आती तो है नहीं, तो चाय बनाओगी कि हमें बना रही? आता है हमें चाय बनाना। क्या हुआ बच्चे, घर की याद आ रही है ना? नहीं दादी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम तो चाय बनाने जा रहे थे, हमें जाने नहीं दे रहे। चाय बनाना तो एक बहाना है माँ, दरअसल बात कुछ और ही है। इतने समय में इतना तो जान गया हूं इसे मैं। बोलो क्या बात है? गुड डन, क्या हुआ? सच और सोच कभी बदले नहीं जा सकते। मेरी सोच और अपने सच के बारे में सबको बता दो, बता दो दादी को कि तुम इतनी उदास क्यों हो, इतनी परेशान क्यों हो। अब क्या कहना चाहती हैं आप दुर्गा बहू? गुड्डन के हिसाब से मैंने एक ऐसी गलती कर दी है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। दुर्गा बहू पहेलियां मत पूछाइए, आपको जो कहना है साफ साफ कह दीजिए। गुड्डन के पापा के साथ जो तमाशा हुआ उसकी एकमात्र जिम्मेदार मैं दुर्गा जिंदल हूँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि गुड्डन के पापा को जो जोकर के कपड़े दिए हुए थे वो मैंने दिए थे। ना दुर्गा बहू, गुड्डन को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं दादी, आज पहली बार गुड्डन से कोई गलती नहीं हुई है दादी, ये सच में सब कुछ मैंने किया है। मुझे इतना छोटा और भद्दा बनाने के पीछे आपका और इस गुड्डन का हाथ है। मुझे अपनी नजरों में गिराने वाले आप दोनों हैं। दुर्गा बहू जब तू ये खुद ही बोल रही है कि ये सब तूने किया है, फिर लल्ला को और गुड्डन को दोषी कैसे बोल सकती है? बोल सकती हूँ दादी, बिल्कुल बोल सकती हूँ, क्योंकि यही सच है। ये काम मुझसे इन दोनों ने ही करवाया है। दिमाग खराब हो गया है मेरा इसे अपनी सास के रूप में देखकर। मैं भले ही इसे अपनी सास नहीं मानी, पर आप दोनों ने जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है उसके वजह से आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब ये भी देखना भूल गए कि इसके आने के बाद ये घर घर नहीं रहा, एक सर्कस बन गया। इस घर में तमाम गलतियां हुई हैं आज से पहले, और मैंने जो गलती की है
उसके लिए हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। पर इसकी गलतियों का क्या? गुड्डन की तमाम गलतियों के बावजूद भी एजे आपने इसे कभी नहीं डांटा, कभी सजा नहीं दी। इसकी गलतियों को आप अनदेखा कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर पाई। इसलिए इस सर्कस में एक जोकर ले आई मैं। देखिए ना एजे, आप लोगों ने मुझे क्या से क्या बना दी। एक मिनट एजे, दरवाजा मैं खोलती हूं। मैंने बुलाया है किसी को। मॉर्निंग मैम, ये लीजिए, आपने जो मंगवाया था वो मैं ले आया। शुक्रिया। अब पीठ पीछे नहीं बात करूंगी। अब दुर्गा जिंदल सीधे सीधे बात करेगी जैसा हमेशा करती आई है। साफ साफ बोलूंगी और सही बोलूंगी। इस बैग में हम सब की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। इस बैग में वो है जो हमारी प्रिय गुड्डन चाहती है, जिसके लिए गुड्डन गुप्ता से गुड्डन जिंदल बन गई है। हम तीनों की सास होने के लिए राजी हो गई। इस बैग में वो है जिसके लिए इंदौर की सबसे बड़ी हस्ती एजे के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई गुड्डन। क्या बकवास कर रही हो तुम दुर्गा बहू? आपको मेरी बातें बकवास जरूर लग सकती हैं एजे, पर आप ही याद कीजिए, गुड्डन इस घर में क्यों रह रही है अब तक, क्यों बनी ये हम तीनों की सास। क्योंकि इसने जो पैसे, जो रकम, जो एलिमनी हमसे मांगी थी, वो हमने उसे नहीं दी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि दुर्गा की नफरत के कारण गुड्डन को छोड़ना पड़ रहा है अपना ससुराल। अब कैसे अपने अनोखे अंदाज में गुड्डन गलत साबित करेगी उन लोगों को जो कहते हैं गुड्डन से कुछ ना हो पाएगा। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर।